छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, दुष्कर्मी पर पुलिस मेहरबान। विवाहिता को धमकाकर लगातार अस्मत से करता रहा खिलवाड़, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के बाद दूसरों को भी भेजा। न्याय के लिए एसपी ऑफिस के बाहर परिवार के साथ बैठी धरने पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गाँव के दबंग युवक की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दबंगों से एक परिवार इस कदर पीड़ित, अपमानित और दहशत में है कि पति पत्नी अपने बच्चे के साथ धमतरी एसपी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाले इस वाक्य के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एक विवाहिता का गांव के एक दबंग युवक ने डरा धमकार यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी करतूत का वीडियो भी बना लिया और उसकी आड़ में युवती को ब्लैकमेल कर यौन शोषण का सिलसिला जारी रखा। पीड़िता के मुताबिक युवक इतना दुष्ट है कि उसने वीडियो कई अन्य लोगों को भी भेज दिया है। युवक की बदमाशियों को झेलते झेलते लोक लाज और धमकी से सहमी युवती के सब्र का बांध आखिरकार फूट पड़ा। उसने अब युवक को उसकी करतूत की सजा दिलाने की ठान ली। समाज में पीड़ितों और शोषितों की रक्षा का जिम्मा जिन कंधों पर सरकार ने सौंप रखा है, वहां से भी युवती को निराशा ही हाथ लगी। पीड़िता धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने कुरुद पुलिस को आप बीती सुनाते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन पहले तो पुलिस नानुकूर करती रही, लेकिन लगातार अनेक बार थाने पहुंचने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता तो निभाई, लेकिन कार्रवाई रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ी। उल्टे पीड़िता की मुसीबत बढ़ गई। आरोपी गांव में खुलेआम पीड़िता को धमकाता घूम रहा है। पीड़िता एसपी ऑफिस के बाहर ही कुरुद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बाहर हंगामा होता देख संभवतः अफसरों की नींद टूटी होगी और उन्होंने अर्दली भेजकर पीड़िता और उसके पति को भीतर बुलवाया। पीड़िता के मुताबिक साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।